इंग्लिश लैंग्वेज में हम एक चीज को सिंगल कहते हैं, दो चीज को ड्यूअल, तीन चीज को ट्रिपल। ट्रिपल गलत है, एक्चुअल में ट्रिपल कहा जाता है। नंबर दो, सभी कंट्री की करेंसी में फोटो किसकी छपती है? या तो फ्रीडम फाइटर की या अन्य महान इंसान के, जैसे हम इंडिया में महात्मा गांधी जी के, या किसी भी कंट्री में उसके हिसाब से अपने देश के लिए कुछ किया हो ऐसे व्यक्ति की करेंसी में फोटो छपता है। लेकिन ये देखो, कनाडा की गवर्नमेंट ने $20 के कॉइन में सुपरमैन का फोटो छाप दिया। ये कॉइन 2015 में प्रोड्यूस किया, जिसमें सुपरमैन एक एक्टर का फोटो छाप दिया। वैसे कनाडा को सुपरमैन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ओरिजिनल सिल्वर कॉइन को लीगल करेंसी बना दी। व्हाट? नंबर तीन, एम्स्टरडैम कंट्री में किसी की मौत हो जाए और उसके पीछे कोई परिवारजन या कोई व्यक्ति रोने या शोक व्यक्त करने वाला नहीं है, तो उनके अंतिम संस्कार पर एक कवि को बुलाया जाता है, एक कविता बनाते हैं और अंतिम संस्कार पर कविता गा के उसके अंतिम संस्कार करते हैं। नंबर चार, सोनी कंपनी ने 2014 में कैसेट बनाई थी जो कि उसकी स्टोरेज थी 185 TB। 1 GB की स्टोरेज में कम से कम 200 सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 185 TB है तो हम काउंट करें तो कम से कम 3.5 करोड़ गाने स्टोर हो जाता है इतनी छोटी सी कैसेट में, इतना स्टोरेज। नंबर पांच, ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से भी ज्यादा बीच है। अगर हर रोज एक बीच की विजिट करें तो 27 साल लग जाएंगे सभी बीच को घूमने के लिए। नंबर छह, स्पेन के कैस्टिलो डी मर्सिया विलेज में एक अजीब सा फेस्टिवल होता है। वहां पे हर साल फेस्टिवल में पिछले एक साल में जन्मे हुए सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, जमीन पर लेटाया जाता है और उनके ऊपर एक आदमी शैतान जैसे कपड़े पहन के सभी बच्चे के ऊपर कूदता है। कितना खतरनाक फेस्टिवल है। नंबर सात, ऑस्ट्रेलिया में एक द्वीप है, उसका नाम लेक हिलियर है। इस लेक का पानी पिंक कलर का है। ये द्वीप हर साल सूख जाता है और जब बारिश आती है तो वापस पिंक कलर का हो जाता है। साइंटिस्ट को आज तक पता नहीं चला कि इसका कलर पिंक क्यों है। नंबर आठ, टी बैग को किसी ने इन्वेंट नहीं किया, एक्सीडेंटल हो गया और वो भी एक इंसान की भूल की वजह से। टी बैग का इन्वेंशन हो गया 1908 में। एक चाय के व्यापारी थॉमस सुलिवन ने अपने कस्टमर को चाय का सैंपल छोटी सी बैग में भेजा तो उस कस्टमर ने उस चाय के सैंपल को खोले बिना ही कप में डुबो दिया। तब से टी बैग इन्वेंशन हो गया। नंबर नौ, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज होता है लेटर ई। लेटर ई का कॉमन यूज होता है, इसको बार बार यूज किया जाता है, सभी सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। नंबर 10, हमने घोड़ों के स्टैचू तो बहुत से देखे हैं लेकिन सभी घोड़ों के स्टैचू एक जैसे नहीं होते। किसी घोड़ों के पैर ऊपर, किसी घोड़ों के पैर नीचे। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत युद्ध में हुई है तो उस व्यक्ति के घोड़ों के दोनों पैर ऊपर होंगे। अगर एक पैर ऊपर है तो उस व्यक्ति की मौत युद्ध के घाव की वजह से हुई है। अगर दोनों पैर नीचे है तो उस व्यक्ति की मौत प्राकृतिक कारण से हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।